हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूँ आपका एडमिशन मेंटर। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में दोस्तों हमने इस पर थोड़ा कुछ काम किया था, हमने इस पर नाइके डाले थे इस पर, ओके, रोड के ऑप्शन पर, इस पर। तो इस पर हम थोड़ा काम किया था दोस्तों इससे पहले लेक्चर में। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्रिएट के अंदर और नब्स प्रिमिटिव पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सर्कल। सर्कल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा उठा के ऊपर कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ, ओके, और साइड में आता हूँ और थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ और पर्सपेक्टिव में भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं पर्सपेक्टिव में एक बार चेक करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे रिजल्ट इसका ठीक मिल पा रहा है अभी। तो मैं थोड़ा और स्केल कर लूँगा यहाँ से, ओके दोस्तों, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जो मेरे को करना है यहाँ पे इंसर्ट की के लिए मैं क्या करूँगा, मैं या तो डिलीट के ऊपर इंसर्ट के वह की दबा दूंगा या शॉर्टकट तरीके से मैं इसको डी दबा दूंगा, ओके, और स्नैप करूंगा, स्नैप और पर्सपेक्टिव, और इसको उठा के इस पे ऐसे अटैच कर दूंगा, ओके दोस्तों। स्नैपिंग ऑफ डी को भी, ओके। और ये सब होने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज करूंगा। सबसे पहले मेरे को इसका नाम चेंज करना है, ओके। नाम क्या देना है मैं इसमें बता देता हूँ, ये रूट नाम देना है, ROOT, रूट स्पेस, ओके, कंट्रोल, ओके दोस्तों, कंट्रोल। तो ये नाम दे दिया तो ये नाम आपका यहाँ पे शो हो गया। अब ये सब होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना इसकी ट्रांसलेट एक्सिस है दोस्तों, इसकी सारी सेटिंग यहाँ से चेंज करनी है। तो दोस्तों मेरे को ये पूरी सेटिंग वैल्यू करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिज के अंदर जाऊँगा। तो दोस्तों ये फिज मेरे को कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर आपको यहाँ पे फिज ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसकी आपके यहाँ पे पूरी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो ये पूरी सेटिंग चेंज हो गई, अब दोस्तों हम इस पर आगे चलते हैं। अब ये सर्कल हमने किस लिए डाला है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं करता हूँ एक बार इसको रोटेट ऑप्शन। अब हम इस पे यहाँ पे थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो इसके जो दोस्तों आईके हैं, जो हमने बोन डाले हैं, ये इससे अभी कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बराबर। इसको अंडू कर लेता हूँ और अब ट्रांसलेट करके देखते हैं, बराबर। तो ये दोस्तों इसका कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। अभी हम रूट कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और इस फाइन को काउ को शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करेंगे। ये सब सेलेक्ट होने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं कंस्ट्रेंट के अंदर। आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा दोस्तों, पॉइंट, आप इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहां पे एक्स और वाई जेड में इस पे ट्रांसलेट में आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर की कुछ डॉट्स आपको नजर आ गए हो, तो आप इसको सेलेक्ट करके और कुछ सेटिंग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखो आपका ये अब जो सर्कल बराबर से काम कर रहा है, या आप इसको रूट को सेलेक्ट करके और इसको ऐसे करोगे, आप देख रहे होंगे कि ये इससे मूव हो रहा है। अटे इससे पहले ये मूव नहीं हो पा रहा था जब हमने इस पे सर्कल डाला था पॉइंट से पहले। जैसे मैंने पॉइंट किया तो इस पे ये ट्रांसलेट हो रहा है, प्लस जो मैं इसको रोटेट करूं तो दोस्तों ये रोटेट नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं रोटेट कर रहा हूं पर ये रोटेट नहीं हो पा रहा है, बराबर। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। अब इसको रोटेट करने के लिए मेरे पास एक तरीका हो रहा है दोस्तों, जिसका हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इस फाइन काउ को दब शिफ्ट दबा कर फिर सेलेक्ट करूंगा।
और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को फिर कंस्टेंट के अंदर आना होगा। कंस्टेंट के अंदर आने के बाद मेरे को अब यहाँ पे दोस्तों ओरेंट नज़र आएगा। ओरेंट के सामने दोस्तों आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इस एडिट के अंदर आकर इसको रीसेट सेटिंग कर दूंगा, जिससे कि माया की साइड से जैसे सेटिंग आती है आल, जो मैं आल करूंगा तो इसके कंस्टेंट एक्सिस पूरे सभी सेलेक्टेड हो जाएंगे, प्लस मेरे को सभी ना कर कर मैं करता हूँ एक्स और जेड। एक्स और जेड करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके, और फिर इसको क्लोज। अब ये हो गया, आप देखो एक्स और जेड आपको यहाँ पे शो हो गए ब्लू लाइन डॉट से। अब मेरे को वाई भी चाहिए, तो वाई मैं कहाँ से ला सकता हूँ, इसके लिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आऊँगा विंडो के अंदर। विंडो के अंदर आने के बाद जनरल एडिटर, जनरल एडिटर के अंदर आपको मिलेगा ये कनेक्शन एडिटर। अब कनेक्शन एडिटर मिलेगा, एक मिलेगा आपको कंपोनेंट एडिटर। अब दोस्तों क्या करूँगी, कंपोनेंट एडिटर पे काम ना कर कर आप करोगे कनेक्शन एडिटर पे क्लिक। जैसे आप कनेक्शन एडिटर पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से एक विंडो मिल जाएगी। अब रिलोड लेफ्ट आपको नजर आएगा और रिलोड राइट भी आपको नजर आएगा। जो रिलोड लेफ्ट है इसमें आपको आउटपुट दिखाई देगा और रिलोड राइट में आपको इनपुट नजर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम आउटपुट देख लेते हैं। तो कंट्रोल, ये रूट कंट्रोल पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जाऊंगा मैं रिलोड लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। मैं इस पे क्लिक करने बाद मेरे को यहाँ पे कुछ सेटिंग्स नजर आएगी। देखो रूट कंट्रोल आपको यहाँ पे इसका नाम भी शो हो जाएगा। अब प्लस पे आइकन करोगे तो ये सब यहाँ से ऑफ हो जाएगी, बराबर। ऐसे दोस्तों मैं इस पे करूंगा रिलोड राइट पर, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आई के स्पाइन पे क्लिक करूंगा और रिलोड राइट पे क्लिक कर दूंगा जिसका इनपुट है, बराबर। तो ये भी आपको दोस्तों इसकी भी सेटिंग आपको शो हो जाएगी। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पे कुछ निकाल के रखना है, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे लेना है रोटेट। अब रोटेट देख रहे होंगे तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई जेड। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से वाई सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों इनपुट रिलोड राइट के अंदर, तो रिलोड राइट में मेरे को मिलेगा दोस्तों क्या कि रोल, तो मैं यहाँ पे रोल सेलेक्ट कर लूंगा, ओके। आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे आपको रोल दिख रहा है, प्लस अभी यहाँ पे ये सिलेक्टेड नहीं है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आपको एकदम से यहाँ पे इसको सेलेक्टेड येल्लो कलर का डॉट्स आपको नजर आ जाएगा। तो ये होने के बाद दोस्तों मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये क्लोज होगा, अब दोस्तों हम इस पे क्या करते हैं, रूट कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा। अब हम दोस्तों इस पे हम रोटेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसमें रोटेट करके दिखा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक्स, ओके, बराबर से एक्स, जेड है आपका, ये वाई। तो अब देख रहे हो दोस्तों ये बराबर से काम कर रहा है। अब ये रोटेट भी हो रहा है, कि मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। मैं ट्रांसलेट में दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये पहले कर रहा था ट्रांसलेट में, और अब ये रोटेट में भी काम कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों जो हम जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम इसकी निक के बारे में जानेंगे, हम निक पे कैसे काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों।